साथ होना आपके साथ। बिहार में जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई है, तब से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी जल्द ही तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। हाल बेहाल कई कार्यक्रमों में भी नीतीश कुमार ने इनडायरेक्टली तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अब हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे, हमारा समय तो पूरा हो गया, हमने काफ़ी काम कर लिया, अब बारी है युवाओं को आगे बढ़ाने की, तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की। तब से आरजेडी की तरफ से लगातार कई तरह के बयानबाजी हो रही है। आरजेडी लगातार इस बात को कह रही है कि तेजस्वी यादव अब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और देश को नीतीश कुमार का इंतज़ार है, देश की राजनीति की तरफ नीतीश कुमार का रुख होगा और वो बिहार की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को देंगे। इसी कड़ी में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने एक बयान में ये कह दिया कि इस साल के अंत के बाद यानी कि साल 2022 के बाद साल 2023 में सूबे के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी जाएगी। नीतीश कुमार की घोषणा के बाद जगदानंद सिंह के द्वारा इस तरह के बयान को दिया गया है। हालांकि जगदानंद सिंह नीतीश कुमार की जिस घोषणा के बारे में बात कर रहे हैं वो घोषणा कभी भी सार्वजनिक रूप से या फिर आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं दिया गया। हालांकि कई कार्यक्रमों में वो तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात जरूर कहते हैं लेकिन कभी भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने के बाद को साफ तौर पर कभी नहीं कहा। अब ऐसे में जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव को लेकर, आने वाले साल 2023 की राजनीति को लेकर क्या कुछ होने वाला है आपको बताते हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दावा किया है कि 2022 खत्म होने के बाद 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार यानी जो ऐसी घोषणा जो सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है, हमें लगता है कि 2022 बीतने के बाद 2023 में नीतीश देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार के भविष्य की लड़ाई तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप देंगे। जगदानंद सिंह हाल ही में आरजेडी के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, जो दोबारा बनना चाहते नहीं थे लेकिन पार्टी चीफ लालू यादव ने उनको मना कर बना ही लिया। बहरहाल दिल्ली में जगदानंद सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि देश नीतीश का इंतजार कर रहा है और बिहार तेजस्वी का इंतजार कर रहा है। जब उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या सीएम पद सौंप देंगे नीतीश, तो जगदानंद सिंह ने कहा और क्या, प्रशासनिक ओहदा तो वही है ना, हमारी कार्यपालिका की शक्ति मुख्यमंत्री में निहित है, मुख्यमंत्री ही अपने राज्य को आगे ले जाने का जिम्मेवार व्यक्ति होता है, देश इंतजार कर रहा है नीतीश का और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके इस बयान का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है। जगदानंद आरजेडी के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो नीतीश के साथ दोबारा गठबंधन करने के पक्ष में नहीं थे। कृषि मंत्री के तौर पर कभी खुद को चोरों का सरदार कहने और कभी नीतीश सरकार के कृषि रोडमैप पर सवाल उठाने वाले सुधाकर सिंह उनके बेटे हैं। जगदानंद सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया में बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि राज्य 2023 तक नीतीश कुमार को टिकने नहीं देगी, उससे पहले ही उनको निपटा देगी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि लगता है कि इस साल के खत्म होने के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी सौंपकर खुद देश की राजनीति की तरफ अपना रुख कर लेंगे। यानी कि आरजेडी लगातार इस बात को कह रही है कि तेजस्वी यादव को जल्द मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और ये फैसला नीतीश कुमार के द्वारा ही लिया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार के द्वारा कभी भी इन बातों को सार्वजनिक तौर पर या आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है लेकिन आरजेडी की तरफ से आए दिन तरह तरह के बयान जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सचमुच 2023 में बिहार की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में होगी, क्या जिस कुर्सी का आरजेडी इतने सालों से इंतजार कर रही थी वो कुर्सी और वो लालू का सपना तेजस्वी यादव साल 2023 में पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, रखिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन में।